गठबंधन को लेकर सभी छोटी पार्टियों सब कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या है गठबंधन को लेकर क्या हुआ? गठबंधन को लेकर के हम तो अपने ही एक बात कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या भाई उसके अगर आपको हमारा वोट लेना है, खास करके जिनको मुख्यमंत्री बनना है, हम उसे कहते हैं कि भाई अगर आपको वोट लेना है तो हिस्सा देने की कोशिश करें, अगर सिपाही बनाओ तो और लोगों को भी बनाओ, अपने घर मत बनाओ। किससे उम्मीद है कौन आपकी हिस्सेदारी देगा? जो आपकी हिस्सेदारी हमारी, देखिए किसी से बात हुई आपकी, बात चल रही है? राजनीति में चुनाव का माहौल है, बातचीत तो होती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बातचीत तो कहीं चलती रहती है, लेकिन अभी कोई अथेंटिक बातचीत नहीं है। जो हमें कहेगा कि भाई हम आपको हिस्सा देंगे, पिछड़े को, गरीब को, अकलियत को, उसके साथ हम अगर आपकी बारी होगी तो कितनी सीट होगी? देखिए हम तो अकेले लड़ना चाहते हैं, अपने बल पर हमारी पूरी तैयारी 300 सीटों पर है, हमारा वोट जल्दी तक चल रहा है। छोटी पार्टियों में उत्तर प्रदेश में जितना जन अधिकार पार्टी का संगठन का काम है और मजबूत है, उतना किसी और पार्टी का काम नहीं है। अगर आप कहें कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के अलावा लोकदल का भी नहीं है यहाँ इतना संगठन, जितना जन अधिकार हमारी पूरी 300 सीटों की तैयारी। बीजेपी से भी बात चल रही है, बीजेपी से या सपा से? देखिए मैंने कहा ना, जो हिस्सा देने की बात करें उससे करें। सर अगर बीजेपी देती है हिस्सा तो आप बीजेपी में चले जाएंगे? देखिए बात बीजेपी या सपा की नहीं है या बीएसपी की नहीं, जो हिस्सा देने की बात करें हम उससे कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहां पाते हैं? हमारी जैसे एक विचार है, एक समान शिक्षा प्राप्त, चाहे वो गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, प्राथमिक विद्यालय में पढ़े या पब्लिक स्कूल में पढ़े, कोई बड़ा आदमी है तो एसी में उसका बच्चा पढ़ ले, गरीब का बच्चा टाड़ीपट्टी में बिना पंखे के पढ़ ले, लेकिन पाठ्यक्रम में शिक्षा एक समान हो, ताकि जब वो आगे चल के कंपटीशन में बैठे तो उसे ये कहने की स्थिति ना आए कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, मैंने ये बोर्ड नहीं पढ़ा। तो हम एक समान शिक्षा पद्धति के हक में हैं, किसान को आदमी सस्ता मिले, सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, उसकी उपज की कीमत उसे सही मिले, हम इस पक्ष के लोग, जो इस पक्ष को मानने वाले लोग हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं और कितनी सीटें आप जीत जीत पाएंगे? हम 300 सीटों में हमारा वोट जल्दी तक पहुँच और अगर हम किसी से नहीं करेंगे तो 300 सीटों में और पूरी मजबूती से लड़ेंगे और उसमें से हम लगभग 30-40 सीटों के करीब अकेले अपने बल पर। ठीक, बसपा में आप थे, वहाँ क्या हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी? बसपा से हमारी कोई बातचीत नहीं है। पहले आप थे उसमें तो? हाँ मैं 12 साल पहले की बात है, लेकिन मेरी कभी कोई बातचीत। हिस्सेदारी क्या उस वक्त बात होती थी हिस्सेदारी की, जिसमें आप कोई बातचीत ही नहीं? पहले ठीक है, सपा में राजगढ़ जी गए तो आप